हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर एक फ्रूट्स दिखाई दे रहा होगा, ये बताइए कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है और किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सोरगम की प्रथम संकर किस्म निकाली गई थी 1946, 1964, 1984, 1968। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 1964। क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में चकबंदी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1928, 1938, 1948, 1958। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर होगा, 1958। तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विश्व कृषि खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा होगा, 1945। क्वेश्चन नंबर चार है फ्रेंड्स, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का शुभारंभ हुआ 1909, 1919, 1929, 1939। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि 1929। क्वेश्चन नंबर पाँच है फ्रेंड्स, सिंचाई आयोग कब बना? 1970, 1933, 2003, 1901। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चार, 1901। क्वेश्चन नंबर छः है फ्रेंड्स, संप्रति भारतवर्ष में कितने जलवायु केंद्र है? 1500, 1600, 1700, 1800। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1700। क्वेश्चन नंबर सेवन है फ्रेंड्स, भारतवर्ष में स्त्री पुरुष अनुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं 2011 के अनुसार? तो फ्रेंड्स, ये है हमारी 943। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आने वाले एग्जाम के लिए। 2021 तक देश में ICAR द्वारा स्वीकृत KVK की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स, ये हो चुके हैं इस टाइम 722। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा दूसरा। उत्तर प्रदेश में कृषि सघनता का प्रतिशत है 111%, 149%, 165%, 136%। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 149%। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मूंगफली के बीज से कितने प्रतिशत तेल प्राप्त होता है? 50%, 60%, 70%, 80%। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 70%। फ्रेंड्स, आपने कितने क्वेश्चन के सही सही जवाब दिए कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मेंशन कर दिए जाएंगे।